हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मर्चेंट बैंकिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। इसका यह छठा लेक्चर है, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं यूनिट वन की, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। इसके सिक्स लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो 1967 में एक बैंक आई, ग्रैंडलैंड नेशनल बैंक, उसने मर्चेंट बैंकिंग वर्क पहली बार इंडिया में स्टार्ट करा। उसके बाद 1970 में सिटी बैंक आ जाती है। 1972 में SBI पहली इंडियन कमर्शियल बैंक बन जाती है, जिसने कि एक सेपरेट मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन को बनाया और मर्चेंट बैंकिंग का काम करा। उसके बाद में 1973 में ICICI बैंक आ गई, उसके साथ में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ सिंडिकेट बैंक, PNB बैंक और बहुत सारी बैंकें मर्चेंट बैंकिंग में उतर गई, ठीक है। सेबी ने मर्चेंट बैंकिंग को बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी माना है कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है। एक मर्चेंट बैंकिंग को सेबी के द्वारा बनाए हुए सारे नॉर्म्स को फुलफिल करना चाहिए इंडिया में। एट प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस तो इंडिया में है वो प्रोवाइड की जाती है अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये हमने पहले ही भी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करे हैं इंस्टीट्यूशन, आज फिर से हम कर लेते हैं। पहला, सारे कमर्शियल बैंक और उनके सब्सिडरी के द्वारा। उसके अलावा ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, लाइक ICICI, IFCI, IDBI। स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि SIDC, SFC, ठीक है। प्राइवेट फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फॉर्म और ब्रोकर फॉर्म लाइक कोटक महिंद्रा। प्रोफेशनल मर्चेंट बैंकिंग हाउसेस जैसे कि VMC, प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अगर बात करें मर्चेंट बैंकिंग अब्रॉड की, तो इसमें आते हैं, इसमें मेन हम दो पार्ट में जो इसको डिवाइड करा गया है, ब्रिटेन के और एक USA के। USA मतलब अमेरिका। तो देखो, ब्रिटेन में मर्चेंट बैंकिंग का इतिहास बहुत पुराना रहा, ठीक है, और बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट रहे हैं जिसने कि मर्चेंट बैंकिंग को शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इवॉल्व करा है। और ब्रिटेन में मेन वर्क क्या था, मर्चेंट बैंकिंग और डिपॉजिट को ले सकते थे, क्रेडिट दे सकते थे और एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं इन्वेस्टर और वो लोग जिनको लोन की ज़रूरत है। USA की बात करें तो USA में नया ही शब्द चलता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, ये सारे मर्चेंट बैंकिंग के वर्क करते हैं, हैंडल करते हैं। उसमें सारे वर्क आ गए, इश्यू मैनेजमेंट का आ गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गया, ठीक है, वो सारे आ गए। और देखो, USA का इतिहास बहुत पुराना रहा है, ठीक है, मतलब कि जब भारत गुलाम बना था 1976 में, उस टाइम में USA को फ्रीडम मिली थी, मतलब कि 200-250 साल इंडिया से आगे ही है और तब से ही वहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग शुरू चलता आ रहा है। तो वहाँ की बहुत सारी कंपनियाँ तो 100-150 साल पुरानी हैं और उन्होंने इतने सालों में हाई लेवल ऑफ क्वालिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज, लॉयल्टी बनाई हुई है। अब बात करते हैं बेसिक शब्द जिसमें मेनली मर्चेंट बैंकर खेलता है, वो है प्राइमरी मार्केट। क्या होता है प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज इशू होती है। इसमें आप डायरेक्टली जो ओनर है, इशूअर है, उससे आप सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो। इसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ। अब ये किससे डील करता है? ये डील करता है अगर फ्रेश कैश रेस करना है कॉरपोरेट को, गवर्नमेंट को, सेमी गवर्नमेंट बॉडी या फिर PSU को, मतलब कि जो भी कंपनियां हैं उनको अगर नया कैश चाहिए मार्केट से, ठीक है, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाके उठा सकते हैं। जितने ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो सारे के सारे सारे बैंक हो, मर्चेंट बैंकर हो या कोई और हो, वो सब के सब न्यू इशू मार्केट के या प्राइमरी मार्केट के पार्ट होते हैं। अब जो नई ऑफरिंग होती है वो या तो IPO के थ्रू होती है या फिर राइट इशू के थ्रू होती है। IPO हमने पढ़ा है, IPO मतलब कि पहली बार इशू करना, राइट इशू मतलब कि दूसरी तीसरी बार, मान सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स जो कि प्रिफर करते हैं प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना, उनको हम बोलते हैं स्टेक्स। क्या बोलते हैं उनको? अरे यार क्या हो रहा है, स्टेक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट की जो कि मर्चेंट बैंकिंग में हुए हैं। तो क्या क्या हुए हैं? सबसे पहले बैंकों ने अपनी सब्सिडरी बना दी है, सब्सिडरी, ये सब रिसेंट डेवलपमेंट, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि SBI ने अपनी सब्सिडरी खोल दी है, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, नई कंपनी SBI की, वो
उसे काम सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग का ऑपरेशन देखना है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक पीएनबी कैपिटल सर्विसेज खोल दी है, ठीक है। तो पहला तो ये वर्क हुआ है। दूसरा, प्राइवेट फर्म्स को लाइसेंस मिल गया है मर्चेंट बैंकिंग के, जैसे कि जेएम फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, एलकेपी, मर्चेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। स्टॉक ब्रोकर अंडर राइटिंग एसोसिएशन का एस्टाब्लिश करा गया है। क्या है ये एक 1984 में बना था, और इसका काम होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट करना और प्रोटेक्ट करना। न्यू इशू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, लीगल, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, उनको टाइमली पब्लिक तक और उसके मेंबर्स तक पहुंचाने का काम ये करते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन में किसके रहते हैं, हमेशा मर्चेंट बैंकर के। क्या हो रहा है ये बार बार, ठीक है। और ये कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स स्टेप्स लेते रहते हैं। सेबी, सेबी की बात हमने करी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भाई बाप है स्टॉक मार्केट का, मतलब कि यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता इनकी परमिशन के बिना, ठीक है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये कमर्शियल बिल से डील करता है। कमर्शियल बिल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे काम डीएफएचआई में होते हैं। क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल मतलब कि रेटिंग एजेंसी है, जो कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ को रेट करती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स पता कर पाए कि ये सिक्योरिटीज़ कितनी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। फिर आता है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप जो भी डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करते हो, आपके जो शेयर्स रहते हैं वो सब होल्ड करने का काम करता ही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, या हमारी यूनिट 1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे।